मेन चीज़ क्या दोस्तों, इसमें ना ABS दिए हैं यार, तो ABS 125 के अंदर और इतना बजट क्या कहते हैं आप। ये गाड़ी चलाओगे तो 125 HP में आ रहे हैं, कैसी लगी वो गाड़ी? बढ़िया मस्त एकदम। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हीरो के शोरूम और थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि मतलब ये ब्लॉग किस चीज़ को बनने वाला है। और अभी देखते हैं कि बाइक मिलती है नहीं मिलती है, बिकॉज उसकी यार बहुत डिमांड है उस बाइक की 125 CC के अंदर। और मैं अभी अगर कहूँ आपको 125 CC के अंदर भी बेस्ट बाइक है, कम बजट में और इम्प्रेसिव बाइक है। तो देखते हैं अभी क्या कहते हैं, बाइक मिलती है या बुक करानी पड़ेगी हमको। अमीर से जा रहे हैं, अमीर से बाइक लेने। और ये अमीर से हम जा रहे हैं बाइक लेने, बाइक अमीर। ये कुछ है वही बाइक में, अभी 440 बहुत तगड़ी है इस सेगमेंट में। ये आवाज तो बहुत ही प्यारी है। दोस्तों मैंने बोला था कि बाइक मिल रही है, बहुत डिमांड है इसकी, तो इस वजह से कहते हैं ये दिखी नहीं रही कहते। ये कौन सी है? 160 है ये सारी, 160 गाड़ी, लेकिन 160 कोई खरीद नहीं रहा। तो अगर मैं बात करूँ बाइक की 50 की मतलब एक्सट्रीम जो बजट के बाहर है, तो पूरे दिल्ली जैसे मैंने पता कर लिया नहीं मिलते। तो मेरा एक दोस्त था सौरभ, जो कि मैंने उससे पता करा था, वो कचरोला में वर्किंग है अभी हीरो के शोरूम पे। तो उससे मैंने बात की तो उसने बताया कि खड़ी है अभी ब्लैक कलर, और जो मुझे चाहिए था वो मिल रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गजरोला और मेरे साथ जा रहे हैं अतुल। यहाँ से गजरोला ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर समझ लो कि 1.2 hours हमें लगेंगे, बट हम पहले पहुँच सकते हैं। और हम जा रहे हैं अतुल की NS से, तो ऑलमोस्ट पहुँच ही जाएंगे जल्दी। तो वहाँ पर बाइक खड़ी है, हमने बोल दिया रेडी होने के लिए। देखते हैं भाई बाइक कैसी है और वहाँ पर चला के देखेंगे, और आज बाइक निकाल के ही लाते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:34 और यहाँ से हम निकल गए हैं, इंदापुरम में है अभी, और ऑलमोस्ट यहाँ से 95 किलोमीटर है गजरोला। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुँच पाते हैं। 1:34 पे चले थे दोस्तों, 1:50 हो रहा है। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं शोरूम पे, देखते हैं ये बाइक कैसी है, वहाँ खड़ी है। तो अपने बड़े भैया से बात कर रहे हैं सुनील भाई। ABS तुम्हारे पास कैसे खड़ी है? पूरे दिल्ली में नहीं पता है यार, ये देखो ना अभी नीचे दो रहे हैं और ऊपर। हाँ इतना क्या कहते हैं, लोगों को सब कुछ ही पता है। तो भाई ये है एक्सट्रीम 125 R। तो अतुल भाई आज नई गाड़ी चलाओगे तो 125 HP में आ रहे हैं, कैसी लगी वो गाड़ी? बढ़िया मस्त एकदम मस्त लगेगी। हमारे पास लकला हमारे पास कह रहे तो आप भी लकला ले रहे हैं। और दोस्तों अभी क्या कहते हैं डिस्काउंट की बात कर ली, एक्चुअली पूरी गाड़ी दिल्ली NCR में नहीं है, मैं दिल्ली में देखा था, बट मुझे गाड़ी इमरजेंसी पे लेनी थी। तो भाई आज मैं गजरोला आया हूँ और हमारे के पास गजरोला पड़ता है, तो यहाँ पे अवेलेबल थी 3-4, बहुत अच्छी बात है। वरना 2 महीने के अंदर 4,70,000 क्या कहते हैं यूनिट सेल्स हो चुकी है इस गाड़ी की, तो बहुत डिमांड है इस गाड़ी की। 160 इतनी नहीं बिक रही है, लेकिन 125 भाई जो फीचर दिए, फीचर की बात करूँगा बाद में, यूज़ करूँगा तो जब मालूम पड़ेगा। तो अभी डिस्काउंट की बात कर रही हो, बाइक रेडी हो रही है, तो देखते हैं अभी रेडी होने में कैसे लगती है। अभी देखते हैं गाड़ी कितनी रेडी हो गई है, और काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे दी हैं इतने बजट के अंदर। अभी तो टाइम लग जाएगा 10-15 मिनट इसके अंदर में। लुक बहुत प्यारा दिया है इसका। इसका एवरेज कितने का होगा? 65। बहुत अच्छा ही है इसका 66। तो क्या कहते हैं कंपनी क्लेम कर रही है, इसे में है कि इकोनॉमी का वो बटन वटन ऐसा कुछ? स्पीड पे लेके जाऊं इसे मास्टर साहब? कितनी स्पीड पे लेके जाऊं इसे अभी? 60-80 60-70 पे ठीक है। मेन चीज़ क्या दोस्तों, इसमें ना ABS दिए हैं यार, तो ABS 125 के अंदर और इतना बजट क्या कहते हैं आप लोगों का। तो भाई बजट के हिसाब से बहुत ही सूटेबल बाइक है, और बहुत अच्छे फीचर्स के अंदर दिए हैं,
एक्चुअली एक तो इसके अंदर ABS दिया है, आगे प्रोजेक्टर लाइट है, एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, 65 समथिंग का एवरेज है, तो काफ़ी बेस्ट है रेट के हिसाब से। ऑलमोस्ट 121,000 की बाइक है। अभी डिस्काउंट की बात चली कि हमें कितनी फाइनल पड़ जाएगी। और हीरो की अगर बात करूँ, हीरो का कोलैबोरेशन हो गया था हार्ले के साथ, तो यहाँ पे हार्ले डेविडसन भी खड़ी है, प्लस अभी एक मैवरिक आई है 440 cc के अंदर, जो कि 2,80,000 समथिंग की है। वो गाड़ी भी बहुत अच्छी गाड़ी है दोस्तों। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 121,800 की गाड़ी बैठ रही थी, तो उसको ऑलमोस्ट 1,300 का डिस्काउंट हुआ है। एक्चुअली क्या है, हीरो की मोनोपोली चलती है, तो ये लोग डिस्काउंट ज़्यादा नहीं देते हैं, तो बस मामूली सा 1,300 का डिस्काउंट हुआ है मैं दिल्ली से यहाँ पे लेने में। दिल्ली में थोड़ा बहुत हो जाता है, यहाँ पे यार नहीं होता है। कोई नहीं, गाड़ी रेडी हो ही गई है, ऑलमोस्ट यहाँ से निकलते हैं और बैठते हैं गाड़ी के। तो भाई गाड़ी हो गई रेडी अपनी, अब ना धो के सही लग रही है, बढ़िया। उस टाइम धूप लग रही थी इसके ऊपर, अभी बाहर मालूम पड़ेगा इसमें धूप के अंदर यहाँ का अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये हार्ले डेविडसन की है 440 में, ये सारी वही खड़ी हैं। और अगर हम बात करें मैवरिक की, मैवरिक बहुत ट्रेंडिंग में इस टाइम, तो काफ़ी अच्छी बनाई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है मैवरिक ना। वो खुद लगाएंगे और अपनी आ गई धन्नो, सुना उसको धन्नो। यह है अपनी बाइक। पैसा पैसा गाड़ी यहाँ से जा रही है, तो सुनील भाई की बहुत बहुत मेहरबानी है इस गाड़ी के लिए, इन्होंने बहुत सारा काम कराया इस गाड़ी के लिए, और इनसे हमने बात की थी गाड़ी के लिए, पूरे दिल्ली इंसान गाड़ी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने फोन किया तो हमें गाड़ी मिल गई, और बहुत बहुत इन्होंने क्या कहते हैं हेल्प करी भाई गाड़ी दिलवाने के लिए। भाई अतुल भाई के ऊपर बहुत ही मस्त लग रही है वाली बाइक, बहुत ही सेक्सी। पूरा फुल मत करना, थोड़ा सा कम छोड़। तो अतुल भाई कैसा फील हो रही है तू चला के? मस्त मस्त। मैंने तो अभी छुई भी नहीं है, मैं बाद में चलाऊंगा, मैं तो टेस्ट ड्राइव भी रिलीज़ की। बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया बाइक है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ 125 cc के अंदर है, और 115 का क्या कहते हैं मैंने टॉप स्पीड अभी इस पर लगा गया, मैंने चला के देखा 115 मैंने चला दिया है, और कसम से भाई जो स्मूथनेस है और जो बाइक के फीचर्स हैं बहुत मस्त हैं। 115 मतलब बिल्कुल 125 हल्की बाइक है, लेकिन बिल्कुल भी क्या कहते हैं वाइब्रेट और क्या कहते हैं हिल नहीं रही थी, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी है इसमें ना, काफ़ी मज़ा आया चला के मुझे। ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर मैं अभी चला चुका हूँ, कि गजरौला से दिल्ली यहाँ पे आया था, 100 किलोमीटर था, 5 ऊपर से चल चुकी है। तो अभी ये लोग खड़े हैं हमारे दोस्त लोग, तो अभी हम चाहते हैं पार्टी करने, खाना पीना खाते हैं, फिर घर पे आकर सो जाएंगे, पूजा कल करेंगे क्योंकि टाइम निकल गया, तो कल संतोषी माता का डे है, फ्राइडे है, तो कल पूजा कराएंगे। और बाइक की अगर मैं बात करूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक के साथ, एवरेज के साथ, लुक के साथ, डिज़ाइन बहुत प्यारा है इसका, बहुत ही प्यारा है। तो मिलते हैं अभी आपसे डिनर पे। तो दोस्तों अभी हम आए हैं जैन साहब की मलाई चाप खाने, और आज देखते हैं क्या खाएंगे। तो भाई सब लोगों ने बाइक देख ली, और बाइक का जो परफॉर्मेंस इन लोगों को बढ़िया लगी। ये लोग मुझे बोल रहे थे कि यार क्या ले रहा है, क्या ले रहा है, शिवम मुझसे इवन बोल रहा था कि ये बेकार बाइक है, ये वो है, लो टूर के नहीं है, ये वैसा है। बट इन लोगों को जब देखा, इन्हें चला के देखा, तो मालूम पड़ा कि यार बाइक बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया है, फीचर भी अच्छे हैं, और काफ़ी ये लोग भी मतलब इस बाइक को देख के मतलब सेटिस्फाइड हैं। तो ये मेरा चीता और जादू, मेरे भाई ने बाइक लिए, सब लाइक करें, फॉलो करें। आज मैंने बोल दिया अपने मैडम से, सर दो चीते लेके आ रहा हूँ तुम्हारे शेर, दो चीते लाऊंगा, दो बटर रोटी भैया, बटर रोटी नई बाइक ली आज मैंने, नई खड़ी हो उधर खड़ी है। तो दोस्तों खाना खा लिया है, डिनर हो चुका है, बहुत बेकार डिनर करा है इन लोगों ने, मुझे प्रॉपर खाना खाना था, लेकिन वही पता नहीं क्या क्या इन्होंने ऑर्डर कर दिया, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, ये खाना नहीं होता प्रॉपर। तो अभी ये लोग आए हैं चाय पीने, यहाँ पे अभी चाय पी रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स मॉल के पास,
चाय पी लेंगे हम भी। तीन दे दो, तीन। ये हमारा सरगना है। तीन दे दो भाई। और दो। ये कालू है। ये मेरा चीता। ये गोरू है। इसका नाम सर गोरू। गोरू। गोरू आ रहे मोहल्ले आए। तो भाई सुबह से क्या कहते हैं घूम ही रहे हैं 11 बजे से ना, तो ऑलमोस्ट बहुत थकान हो गई है, तो अब बस सोने का इरादा है। और आप लोगों ने देख लिया बाइक, और जैसे मैं आदत को प्यार करता था मैं उसको बहुत मिस कर रहा था, बट अब मिस करूँगा, बट अब ये साथ में आ गई है। इसका भी कोई नाम देना होगा आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में नाम सर्च कर सकते हैं कि मुझे इसका नाम क्या रखना है। तो अभी क्या कहते हैं इस ब्लॉग को यहीं रैपअप करते हैं, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और एक्सट्रीम 125R बहुत ही इम्प्रेसिव बाइक है। अगर आप भी क्या कहते हैं प्लान कर रहे हैं 125cc के अंदर, या बजट का इशू है, तो आप इस बाइक को एक बार डेमो जरूर लेके देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बाइक क्या है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच।